सैशन मेरे पेपर का विषय है पंजाबियों का प्रवास की खटिया की गवाया पंजाबी सरहद के संदर्भ में। मेरा पेपर जिवें कि पिछले दो दिनों की रीत चली आ रही है कि नटशेल के लिए मैं पेश करना तो मैं कुछ ही गल्लां तुहाडे नाल करूंगी। सो घूमना फिरना पंजाबियों का शुरू तो ही शौक रहा है। कई बार यह शौक उन्होंने मजबूरी भी हुंदा सी तां कई बार यह शौक भी हुंदा सी पर अज प्रवास साडे लई मजबूरी नहीं सगों वह धरातल है जिथे सारिया सुख सहूलत मौजूद हैं अते जिथे पहुंचने लई असी हर हीला वरतदे हाँ। इत्थे मैं कोट करना चाहांगी हरजीत अटवाल की कहानी सबाब जिथे इंडिया रेंदे भरा लई भैन की मौत इंग्लैंड जाने का सबब बन गई है। मरण वाले का अफसोस करन लई आया उसके पति का एक दोस्त उसनू एक होर कुड़ी की दस पाउंदा है अते मृतक की देह अजे क्यूंटी नहीं हुंदी कि उसके पति का घरवाला कह रहा है कि तेरी ताई की एक भतीजी आ चौदह पास जे हूँ सबाबी बनिया क्यों ना उसनू बाहर लंघा दी। सो अज प्रवासियों लई परदेश ही वतन है कहण दा भाव इह है कि भावुकता का सेक वतन शब्द तो खत्म हो चुका है। इत्थे मैं कोट करना चाहांगी शिवचरण गिल की कहानी बेगानगी जदों उसका एक पात्र भारत आउंदा है ते बहुत जल्दी वापस परत जाता है उसके एक दोस्त दे पुछण ते ओ कहिंदा है कि तू जल्दी क्यों आ गया। उसका जवाब है दिल की लगना सी किसे नू ना जाना ना बुझा ना कोई मैनू जाने साडा तां हुण इही पिंड आ ओ तां जुगड़िआं दी टुट्टी सांझ। सो इस टुट्टी सांझ नू वादे संवाद के रूप में सुरजीत करने लिए जिहड़ी अज दी इह कॉन्फ्रेंस आपणे तीन दिनों तों चल रही है बहुत ही मुल्लवान मैनू लगती है क्योंकि जिथे असीं सारियां बहुत सुशीलता संवाद रचाउंदे आ अपनी मां बोली दे नाल जुड़दे आ। भावें कहिंदे ने वतन शब्द दे विचों मैं पहलां गल कीती आ कि भावुक सेका खत्म हो चुका पर आख समें कहिंदे ने मां ते वतन जरूर याद आउंदे ने क्योंकि अज दा युग हादसियां दा युग है ते जदों हादसियां दी बारिश हुंदी है तां तनाव उपजा है। अजिही स्थिति विच सुख सहूलत वाले धरातल ते विचरदे होए प्रवासियों नूं ताजियां सब्जियां दा बेसवादापन खिड़े फुल्लां दा महक भी हुणे होणा चिट्टी धुप दा निक भी हुणी लगणा अते जदों वाकफ चेहरे काली नाल हैलो कहके अगे लंघ जांदे हन तां प्रवासी सोचण लई मजबूर हुंदे हन। इत्थे मैं सुरिंदर सोहल दीआं जिहड़ियां काव्य लाइनां ने उहनां नूं कोट कर रही हां। तन ते सोने दे खंभ लगा के तन ते सोने दे खंभ लगा के सूरज फड़न दी खातर उड़दे तन ते सोने दे खंभ लगा के सूरज फड़न दी खातर उड़दे धरती नालों तोड़ के नाता असी बन गए वर्ल्ड ट्रेड दे सिरदी बत्ती धरती नालों तोड़ के नाता असी बन गए वर्ल्ड ट्रेड दे सिरदी बत्ती जिसकी लोह ना अरश ते पुजदी ना फर्श ते जिसकी लोह ना अरश ते पुजदी ना फर्श ते उस बत्ती दी जूनी पैके उस बत्ती दी जूनी पैके दुबदा दे असमानी असी भी लटक रहे हां। ए लाइना प्रवासियों की मानसिक स्थिति नूं चंगी तरह बयान करदियां हन। इस तरह का हेरवा उदों हुंदा जदों असी अपनी होंद बारे चिंतित हुंदे हां क्योंकि अपने देश दे विच भी दूजे खित्तों तों आए प्रवासियों नूं जदों असी भईए दी संज्ञा दिंदे हां तां जदों इह अहसास सानूं खुद भुगतने पैंदे हन ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਬਸੰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ। ਆ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੋਣ ਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਨ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੋਗਲੇਪਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਰਿਲੇਟਿਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਧਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਧਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਲੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਂ ਪੱਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਾਂਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਰੂਬਰੂ ਹੋਈ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਅਪਾਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਜਲੌ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦਾ ਅੰਤ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ
ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਨੇ ਸ਼ਹਿਦ ਵਾਂਗੂ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਡੋਲੀ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੂਫੀ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਇਸੇ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਸਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਰੋ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਇਹ ਆਸ ਕਰੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਰੋ ਨਾ ਉੱਚਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਇਹ ਆਸ ਕਰੇ ਹੱਸਦੇ ਵੱਸਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ